प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी चल रही है, जो देश में काम हो रहे हैं जनता के, जो विदेशों में देश का नाम आज के दिन में बढ़ रहा है उसमें, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को संवारा जा रहा है, उन दोनों के लिए जो उन्होंने एक छोटा सा मुझे कार्य सौंपा है, मैं उसके लिए संख्या कैसे सर मैनेज होगी? संख्या हमारे पास पूरी है और हमारे साथ में पूरे भाजपा के पूरा आश्वस्त है, भाजपा के लोग भी वोट देंगे, जो भी हमारे पास पूरी संख्या है। तो संजय सेठ को आप सुन रहे थे, संजय सेठ जो कि 8वें प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। यहां पर बीजेपी आराम से 7 सीटें जीत सकती थी और सपा 3, लेकिन बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी उतार के राज्यसभा के चुनाव को रोचक बना दिया है और संजय सेठ नामांकन करके अब ये सुनिश्चित कर चुके हैं कि 27 तारीख को उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी, और अगर इसमें क्रॉस वोटिंग होती है तो अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का 3रा प्रत्याशी हारेगा और ये एक लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।